नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड रीना कल्चर में स्वागत करती हूं। तो आज हम जानेंगे कि आंवला नवमी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। तो सबसे ज़्यादा खास महत्व आंवला नवमी का, तो अक्षय नवमी भी कहा जाता है इसको, और ये कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आंवला नवमी पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी आज 10 नवंबर 2024 को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने व ग्रहण करने का विधान है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी आज 10 नवंबर 2024 को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने व ग्रहण करने का विधान है, इसलिए इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस अवसर पर भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। द्वापर युग का आरंभ अक्षय नवमी से माना जाता है। पुराणों में अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन आंवले के नीचे महिलाएं खीर पूड़ी और मिष्ठान बनाती है और परिवार के लोग एक साथ बैठकर ग्रहण करते हैं। आंवला नवमी के पावन दिन व्रत कथा को पढ़ने या सुनने का भी विशेष महत्व होता है। आगे पढ़ते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। काशी नगर में एक नीच संतान धर्मात्मा वैश्य रहता था और एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराए लड़की की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही और एक दिन एक कन्या को उसके कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस पर कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि देने के कारण हत्या का परिणाम विपरीत हुआ और लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी और इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मण वध, बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं, इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, वो गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवले वृक्ष के पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत और पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा है, तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर पे। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।